वेलकम टू क्यूरियस गाइस, इफ यू कॉल्ड योरसेल्फ एन इंडियन देन डू ए फेवर, मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे लिए, इंडिया के लिए। आपकी एक मेल सभी इंडियंस और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को एक बेटर फ्यूचर दिला सकती है। EIA यानी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है और EIA 2020 में किया गया हुआ मॉडिफिकेशन कैसे मेरे लिए, आपके लिए और सभी इंडियंस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है, ये वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के हिसाब से कैसे अपना हक जाहिर करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एनवायरमेंट के लिए 1972 में स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन साइन करने के बाद इंडिया 1974 में वाटर पोल्यूशन और 1981 में एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए नई लॉ बनाई। लेकिन 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी में 16,000 लोगों की मौत के बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए 1986 में एक अम्ब्रेला एक्ट लाया गया, जिसके तहत इंडिया ने 1994 में EIA नॉर्म्स एस्टेब्लिश किए। अंडर दिस नॉर्म्स ए लीगल फ्रेमवर्क क्रिएटेड फॉर रेगुलेटिंग एक्टिविटीज दैट एक्सेस यूटिलाइज एंड अफेक्ट और पॉल्यूट नेचुरल रिसोर्सेस। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस देकर पहले गुजरना पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क। 1994 में EIA यानी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन के बाद इसे कई बार रिड्राफ्ट और रिलीवेंट कोर्ट ऑर्डर्स के अगेंस्ट अमेंडमेंट किया गया है, जैसे कि EIA प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाया जा सके। हालांकि EIA को एनवायरमेंट की सेफगार्ड के लिए एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन एक्टिविस्ट का मानना है कि इंडस्ट्रीज EIA की लीगल पेपर की आड़ में अपनी फायदा देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, रिपोर्ट्स ऑन प्रोजेक्ट्स पोटेंशियल और डैमेजिंग इम्पैक्ट, जिसके ऊपर EIA टिका हुआ है, उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करने का काम हमेशा एक कंसल्टेंट एजेंसी को हैंडओवर कर दिया जाता है, क्योंकि ये रिपोर्ट बनाने में कंसल्टेंट एजेंसी एक एक्सटर्नल एजेंसी के तौर पे काम करेगी एंड रेयरली दिस एजेंसी आर हेल्ड अकाउंटेबल। जस्ट ओवर ए मंथ एगो ऑन May 7 भाईजैक बेस्ड LG पॉलीमर से टॉक्सिक गैस लीक होने के वजह से 12 लोगों की मौत हो गई और 100 से भी अधिक लोगों की हॉस्पिटल होना पड़ा और ना जाने कितना लोगों को इंस्टेंट डिस्प्लेस कर दिया गया। ठीक इसी तरह ऑन June 27 में असम बेस्ड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ओन्ड ऑयल फील्ड में एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था और ये एक्सीडेंट इतना मैसिव था कि 30 किलोमीटर तक क्लियरली दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से 2 फायरमैन की मौत हो गई और 1,000 से भी अधिक लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट करना पड़ा। जबकि दोनों इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट टाइमलाइन और जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अलग है। देयर इज ए कॉमन थ्रेड दैट कनेक्ट्स द टू एंड इट इज वायोलेशन ऑफ द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA। शायद ये दोनों एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता था अगर EIA सही तरह से और सीरियस एफर्ट के साथ कंडक्ट किया जाता, बट बोथ LG एंड इंडियन ऑयल टेकन द EIA प्रोसेस ग्रांटेड एंड पेड ए हैवी प्राइस। इन ए रिसेंट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाईवेज, माइंस, एयरपोर्ट्स, डैम्स जैसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए एंटायरली न्यू सेट ऑफ नॉर्म्स एंड रेगुलेशन प्रपोज किया है, जिसका नाम है EIA 2020, जिसकी मदद से एग्जिस्टिंग EIA प्रोसेस में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाया जाएगा, जैसे कि EIA प्रोसीजर को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के फेवर में यूज किया जाएगा। ये ड्राफ्ट में मेंशन है कि सभी इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवे की एक्सपेंशन जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए प्रायोर क्लियरेंस नहीं चाहिए। और सबसे सीरियस पॉइंट यह है कि EIA 2020 ड्राफ्ट के हिसाब से एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर कोई भी वायोलेशन के अगेंस्ट कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या डेवलपर ही शिकायत कर सकता है। इन शॉर्ट, देयर इज नो स्कोप फॉर पब्लिक कंप्लेंट अबाउट वायोलेशन। आई रिपीट, EIA प्रोसेस वायोलेशन के अगेंस्ट कोई पब्लिक कंप्लेंट नहीं किया जा सकता। और ड्राफ्ट के हिसाब से अगर कोई भी प्रोजेक्ट क्लियरेंस के बिना ही ऑपरेट किया जा रहा है तो वायोलेटर को सिर्फ 1.5 to 2 टाइम्स रिसोर्स एलोकेट करना होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू इकोलॉजिकल डैमेज असेस्ड। और इसमें डिले होता है तो पर डे 2000 से 10,000 तक पेनल्टी देना पड़ेगा। कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ दिस पेनल्टी। एक इलीगल सैंड माइनर जो कि हर एक दिन 1,000 से भी अधिक ट्रक लोड करके सैंड लेता है, उसके लिए ये पेनल्टी कुछ भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि
इट्स अ स्कीम लाइक पे एज यू पॉल्यूट, यानी जितना पॉल्यूट कर रहे हो उस हिसाब से पेनल्टी देके फिर से पॉल्यूट करो. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज एनवायरमेंटल डैमेज एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और नॉट. अगर ये न्यू EIA मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट किया जाता है तो इंडिया में जिस तरह से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसमें कॉम्प्रेहेंसिव चेंजेस देखने को मिल सकता है. कोल माइनिंग, रियल इस्टेट, पावर प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस बिना कोई हर्डल्स में मिल जाएगा. रिमेंबर, डिग्रेडेशन एक बार होता है लेकिन रिमेडियल मेजर्स कैंट कॉम्पेंसेट फॉर द डैमेज. सो द क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. मैं पहले ही आपको बोला था कि एक फेवर करने के लिए, ये फेवर में मेरे लिए नहीं, मेरे चैनल के लिए नहीं, इट्स फॉर अस एंड फॉर इंडियंस अबव ऑल फॉर आवर बिलव्ड कंट्री इंडिया. EIA 2020 के लिए एक पब्लिक विंडो बनाया गया है जिसके तहत हम अपनी फीडबैक दे सकते हैं. फॉर्चुनेटली COVID-19 के लिए ये विंडो को 11 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है. ऑल वी नीड टू डू इज ड्रॉप ए मेल टू EIA2020-MOEFCE@gov.in और ACCY-MOEF@NIC.in. आई एडमिट सब अपनी अपनी लाइक को लेकर बिजी हैं लेकिन ये फीडबैक से ही डिसाइड किया जाएगा कि ये अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं. मेरा ओपिनियन रहेगा कि कंप्लीट विड्रॉल ऑफ द नोटिफिकेशन वुड बी एंटायरली अप्रोप्रिएट, क्योंकि अगर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस में सुधार नहीं किया जा सकता तो उससे डायल्यूट करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है. नाउ दिस इज योर टर्न, ड्रॉप द मेल, शेयर योर स्क्रीनशॉट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्रूव दैट यू आर द नॉट ओनली अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट अ कंसर्न सिटीजन ऑफ इंडिया. रिमेंबर द लास्ट डेट इज August 11th, 2020. Thank you for watching video till the end. If you are finding this video helpful, then do like, share and subscribe for more curious content like this. Thank you.